क्या सच और क्या है झूठ, बात करेंगे हम दो टूक। नमस्कार, दो टूक में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आज 15 अगस्त है, भारत की आजादी का दिन। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। यूं तो हम इस कार्यक्रम में जब भी आते हैं तब हर बार कुछ नए और तीखे सवाल उठाते हैं। आज क्योंकि जश्न का दिन है इसलिए आप कह सकते हैं कि आज सवाल उठाने का दिन नहीं, लेकिन फिर भी आज हम सवाल जरूर उठाएंगे, क्योंकि ये वो सवाल है जिसका जवाब अगर हमने तलाश लिया तो हर साल, यानी कि अब से हर साल जब भी हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे तो जश्न का मजा दोगुना हो जाएगा। इसलिए आज इस सवाल का जवाब तलाशना बहुत जरूरी है, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरे देश के लिए। सवाल पुराना है लेकिन नए संदर्भों में है और इसलिए भी आज बहुत प्रासंगिक हो गया है, क्योंकि आज ये सवाल लाल किले की प्राचीर से भी उठा। क्या है ये सवाल, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हमारी रिपोर्ट। देश को आजाद हुए 70 साल हो गए हैं। 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ और 1947 से 2016 तक बीते 7 दशक में भारत ने हर क्षेत्र में प्रगति के नए प्रतिमान स्थापित किए। पर देश में आज भी जब एक दलित बच्ची को मंदिर से पानी नहीं पीने दिया जाता, दलित युवक को गांव में घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जाता, बच्चियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है, महिलाओं से आए दिन बलात्कार होते हैं, बच्चे सड़कों पर भीख मांगते मजदूरी करते दिखाई देते हैं और मजहब के नाम पर दंगे हो जाते हैं, तो मन में ये सवाल जरूर उठता है कि क्या ये वो भारत है जिसके निर्माण का सपना लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था। लंबे संघर्ष के बाद आजादी हमें मिली और फिर एक नए भारत के निर्माण के लिए भी हम आगे बढ़ चुके हैं। पर नए भारत का निर्माण तब तक भला कैसे होगा जब तक हम समाज में फैली भेदभाव और छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों को दफन नहीं कर देते। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लाल किले की प्राचीर से आज कहा कि सशक्त हिंदुस्तान सशक्त समाज के बिना नहीं बन सकता, और सिर्फ आर्थिक प्रगति सशक्त हिंदुस्तान की गारंटी नहीं, सशक्त समाज ही सशक्त हिंदुस्तान की गारंटी है। इसलिए प्रधानमंत्री ने सामाजिक बुराइयों से लड़ने का आज आह्वान किया। सामाजिक बुराइयों से आजादी के लिए लड़ाई का वक्त आ गया है और इस संग्राम का सेनानी हर हिंदुस्तानी को बनना होगा। जी हाँ, आजादी से हमें आजादी तो मिली लेकिन अब आजादी चाहिए सामाजिक कुरीतियों से। कैसे मिलेगी आजादी, इसी पर चर्चा करेंगे। और आज हम सिर्फ दो टूक में एक सवाल उठाएंगे, एक सवाल, सीधा सवाल। और हमारा आज का जो सवाल है वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, हमारा आज का सवाल, आखिर कैसे मिलेगी सामाजिक बुराइयों से आजादी। जी हाँ, सामाजिक बुराइयों से आजादी कैसे मिलेगी, इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। तीन मेहमान हमारे साथ दो टूक में जुड़े हैं, परिचय करा दें। हमारे साथ चंद्रमान प्रसाद जी हैं। चंद्रमान प्रसाद जी दलित चिंतक हैं, विचारक हैं और स्तंभकार भी हैं। हमारे साथ श्वेता रश्मि हैं, श्वेता रश्मि युवा पत्रकार हैं। और हमारे साथ फिरोज बख्त अहमद साहब हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। सबसे पहले मैं आपसे चंद्रमान जी शुरू करता हूं। आज लाल किले की प्राचीर से एक बात जो प्रधानमंत्री ने कही बहुत महत्वपूर्ण है, कि उन्होंने कहा कि जिस भी समाज में भेदभाव है, छुआछूत है, ऊंच नीच है, वो समाज टिक नहीं सकता। और सिर्फ आर्थिक प्रगति से नहीं होगा बल्कि हमें सशक्त समाज बनाना पड़ेगा, एक बराबरी का समाज बनाना पड़ेगा। आपको लगता है बहुत मौके से बड़ा वाजिब सवाल उठा। जी हाँ, प्रधानमंत्री जी ने इस सवाल अच्छा उठाया है और हमारे सामने उदाहरण है। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन गई, सुपर पावर बन गया, पर रंग भेद वहां पर पड़ा रहा, रेशियल अटैक्स ब्लैक्स पर होते रहे और पूरे अमेरिका ने एक साथ यह निर्णय लिया कि अब हम रेसिज्म से भी हमें मुक्ति चाहिए, और आज व्हाइट हाउस में एक ब्लैक मैन बैठा है। तो हमें सवाल अब यह पूछना है, करीब 10-15% भारतीय जो हैं, जो जाति के बगैर जी नहीं सकते, कि जाति बड़ी है उनके लिए या देश। जी, जो आज सड़कों पर तिरंगा लेकर घूम रहे हैं, गाड़ियों पर झंडा लगा के घूम रहे हैं, बाइक पर झंडा लगा के घूम रहे हैं, उनसे ये पूछिए कि दलित के बारे में आपका क्या सोचना है। अगर उत्तर नेगेटिव है तो उनके हाथ से झंडा खींच लेना चाहिए,
जब तक इस तरह की बातें नहीं होंगी इस देश में, तब तक ये 10 से 15% जो हर शुभ काम के पहले नारियल फोड़ते हैं, शंख बजाते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, ये 10 से 15% जो कचरा है भारत का, इसको ठीक नहीं करेंगे तो भारत कभी भी एक महान देश नहीं बन पाएगा। आप 10 से 15 कह रहे हैं, लेकिन मेरा तो मानना है कि शायद 20% ऐसी आबादी है जो आज भी किसी न किसी रूप में भेदभाव जो है उसको मानती है, छुआछूत में कहीं ना कहीं विश्वास रखती है, और उनके शायद दिमाग में कचरा है। आप कचरा इनको कह रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं दिमाग में कचरा है। उस कचरे को साफ करना बहुत जरूरी, क्योंकि स्वच्छता अभियान की जब हम बात करते हैं तो शायद भारत के लिए स्वच्छता अभियान ये भी जरूरी है कि ये जो भेदभाव का छुआछूत का कचरा है इसको साफ होना बहुत जरूरी है। फिरोज बख्त साहब, ये तो बात हुई जो हमने एक छुआछूत की बात पे, लेकिन हमें ओवरऑल सामाजिक कुरीतियों सामाजिक बुराइयों की बात करते हैं, हमें उनसे आजादी चाहिए। बहुत सारी है, एक नहीं है, बल्कि हमारी सोच जो है बहुत सारी चीजों में दिख जाती है कि हम आज भी किस तरह से एक बंधी हुई सोच के गुलाम है। आपको क्या लगता है सबसे बड़ी सामाजिक बुराई जो है कुरीति है, क्या है जिसके खिलाफ अब लड़ जाना चाहिए? देखिए अशोक भाई, ऐसा है, कुरीतियां तो हैं, छोटी बड़ी कुरीतियां हैं, और अभी चंद्रभान भाई जिक्र कर रहे थे, मगर मैं थोड़ा सा इनसे डिफरेंस रखता हूँ। इन्होंने कुछ ज्यादा ही काले ऐनक से जो चीजों को देखा, लेकिन इनका एक अपना एंगल है, मैं उसकी पूरी रिस्पेक्ट और विदाद करता हूँ। यही तो आजादी है हिंदुस्तान की, यही लोकतंत्र की आजादी भी है हिंदुस्तान की। लेकिन देखिए, मैं समझता हूँ कि जो कुरीति मुझे देखने में आती सामने आती है वो यह है कि यहाँ पर जो महिलाओं का जितना रिस्पेक्ट और रिगार्ड होनी चाहिए ऐसा हो नहीं रहा है। आप किसी भी धर्म में देख लीजिए, आप हमारे यहाँ देख लीजिए मुस्लिम धर्म में, तलाक के नाम पे कितनी ही बच्चियां जो है घर पे बिठा दी जाती हैं। वहां भी हम देखते हैं मुस्लिम महिलाओं के साथ जितना जिस तरह की बदसुलूकी हो रही है दूसरे धर्मों में भी हो रही है। तो एक तो महिलाओं के साथ जो ये भेदभाव हो रहा है और जो उनको उनका हक नहीं दिया जा रहा है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी धर्म हो, जहां भी देख रहे हैं उनको दबाया जा रहा है। यानी एक पेट्रियार्कल सोसाइटी का सिस्टम जो है अभी भी महिलाओं में हर धर्म में चल रहा है, पहली चीज यह है। और दूसरी चीज यह है कि मैं सोचता हूं कि प्रधानमंत्री ने बड़ी अच्छी बात कही आज सुबह लाल किले के प्राचीर से कि हर एक की डिग्निटी और हमें इज्जत करनी चाहिए, भले ही वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी खाने से आता हो। लेकिन साथ ही मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, देखिए क्या है कि जहां तक धर्म की बात है मैं समझता हूं वो एक जाति मामला है, वो सभी हम सब हिंदुस्तानी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाद में आता है, ठीक है। उसी तरह से मैं समझता हूं कि जातियों में भी हमें बांट करके लोगों को नहीं देखना चाहिए। जब तक ये सिस्टम नहीं जाएगा कि मैं मुसलमान हूं, तुम दलित हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, तुम पंजाबी हो, तुम बंगाली हो, ये रीजनलिज्म, ये धर्म की भावना, ये जाति की भावना, उससे हमारा ये मैं समझता हूं कि जो आतंकवाद है ये उससे भी ज्यादा बड़ी खतरनाक चीज है कि हम खानों में बटे हुए हैं, जिस तरह से हम बटे हुए हैं, हाँ उससे हमें बचना होगा। उसके लिए मैं बस एक बात कहकर पूरी करूंगा, आपने पूछा क्या समाधान है, इसका समाधान ये है कि जब हमारे जो पांचवी तक का जो कोर्सेज हैं स्कूलों के अंदर, वहां खासतौर से ये काउंसलिंग की किताबें जानी चाहिए कि कोई जाति कुछ नहीं है, हम सब बराबर हैं, ऊपर वाले की खुदा की निगाहों में हम बराबर हैं, हम कानून की निगाहों में बराबर हैं, तो हम आखिर क्यों एक दूसरे को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित और ब्राह्मण ऐसे हम क्यों देखें। हमको सबको बराबरी से रहना है, बराबरी से जीना है, और बराबरी से सबको सबके हकूक देना है। आपने बराबरी की बात की, और मैं हालांकि चंद्रमान जी से आपने कहा कि आप थोड़ा सा डिफर करते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि सोच में ज्यादा फर्क नहीं, क्योंकि महिलाओं की स्थिति भी दलितों जैसी है। हम दलितों के साथ महिलाओं के साथ जो भेदभाव कर रहे हैं उसी भेदभाव को, और जब तक सही बात है कि इस भेदभाव को नहीं हटाएंगे, समाज में बराबरी लाएंगे, तब तक शायद हम सुपर पावर बनने की जो बात करते हैं वो शायद आधी अधूरी है। लेकिन कुल मिलाकर श्वेता, आप कैसे देखते हैं दोनों चीजें हैं? मैं कहता हूं दलितों के साथ भेदभाव, उनके साथ जो छुआछूत होता है, महिलाओं के साथ होता है, एक बड़ी बात है, बच्चों के साथ भी हम जिस तरह का व्यवहार करते हैं मुझे लगता है वो भी, पर कुल मिलाकर आप क्या देखेंगे, क्या सामाजिक कुरीति है जिससे आप कहेंगे कि हिंदुस्तान को अब आजाद हो जाना चाहिए? देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि पांचवी क्लास तक के बच्चों के पाठ्यक्रम के साथ साथ एक काउंसलिंग की किताब होनी चाहिए, लेकिन सिलसिला यहां नहीं रुकना चाहिए। बच्चे स्कूल तब आते हैं जब उनके माँ बाप उनको स्कूल तक छोड़ने जाते हैं, तो हमें ये शुरुआत अपने घरों से करनी चाहिए, क्योंकि आधी आबादी हमारी हिंदुस्तान के अंदर महिलाओं की भी है, और
प्रधानमंत्री की इस बात का मैं पूरी तरीके से स्वागत करूंगी कि उन्होंने अपने एक लाइन के सेंटेंस में बहुत बड़ी बात कही है कि महिलाओं के साथ जिस तरीके के व्यवहार हो रहे हैं, स्वच्छता अभियान की अभी आपने बात कही, तो स्वच्छता पहले हमें अपने घर से शुरू करनी पड़ेगी। किसी ने भी आज तक अपने बच्चे को ये तालीम नहीं दी है कि ये जो है ये अमर है या ये जो भी नाम है उसका, वो तुम्हारा सहपाठी है। मैंने आज तक नहीं देखा, आज तक हम जिस परिवेश में बड़े हुए हमने सिर्फ ये देखा कि वो हिंदू है और ये मुसलमान है, ये ईसाई है। पहले तो ये चीज हमें खत्म करनी होगी। और परिवारों में ये बता दिया जाता है ये दलित है भाई, बिल्कुल भड़ाना जाती है, ढिमकाना जाती है। आजकल तो ये फैशन थोड़ा कम हो गया है कि मुसलमान के चाय पीने से वो कप और प्लेट अलग नहीं की जाती है बहुत सारे घरों में, लेकिन आज भी अधिकांश घर इसी परिपाटी के ऊपर चल रहे हैं। तो हमें ये चीज वहां से खत्म करनी होगी, हर धर्म में, सिर्फ हिंदुओं में नहीं, मुसलमानों के साथ भी ये बात लागू होती है, ईसाइयों के साथ भी लागू होती है। क्योंकि कुछ दिन पहले अभी एक मामला आया था कि मदरसे में मिड डे मील लेने से उन्होंने इनकार कर दिया था। ये गलत है, मिड डे मील किसी भगवान के नाम से या इस तरीके से नहीं पकाया जाता कि आप उसको लेने से अपने बच्चों को खाने से मना कर दें। पहली चीज तो ये है कि हमें नैतिक शिक्षा जिसको कहते हैं वो माँ बाप के साथ शुरू करनी पड़ेगी। एकाएक हम इस बुराई को खत्म नहीं कर सकते। दूसरी बात, जैसा कि रिपोर्ट में भी मैंने देखा, महिलाओं से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे सामने से होके निकलती हैं। करीबन 7-8 साल पहले मैंने एक स्टोरी की थी, साउथ में आज भी देवदासी की प्रथा जीवित है। क्यों जीवित है भाई? इस प्रथा का आज आजादी के हम 70वें साल में खड़े हैं क्या इम्पोर्टेंस है? क्यों भाई राजा महाराजाओं के टाइम में जो कुरीति कहें या फिर जो बुराइयां थी, जो पनपी, अब तो खत्म हो जानी चाहिए। आपने वैलिड पॉइंट करूंगा इनकी, श्वेता जी की बात पे माफ कीजिए, आपकी बात काट रहा हूँ। देखिए, कबीर ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि वो अंग्रेजी में मैंने कहीं पढ़ा था कि वी शुड नॉट लुक इन टू द आईज ऑफ अ ह्यूमन, अ हिंदू और अ मुस्लिम, वी शुड लुक अ ह्यूमन। यानी हमें सामने वाले की निगाह में हिंदू या मुसलमान नहीं देखना चाहिए, इंसान देखना चाहिए। आप जो श्वेता ने बात की, मैं उसमें एक बात और जोड़ दूं, जो इन्होंने देवदासी की बात की, लेकिन ये भी बड़ा शर्मनाक है कि बीते 15 सालों में हिंदुस्तान में 2500 महिलाएं डायन बताकर मार दी गई। ये कौन सी सोच है, ये कौन सा देश है जहां पर महिलाओं को डायन के मार दिया जाता है? एक साल में झारखंड में 47 महिलाओं को मारा गया। तो चाहे महिला हो, दलित हो, इन सबके साथ जो उत्पीड़न चल रहा है वो बंद होना चाहिए। लेकिन चंद्रमोहन प्रसाद जी, एक अगर हम 70 साल पर निगाह डालते हैं, धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, कह सकते हैं महिलाओं में भी जागृति आई, दलितों में भी कहीं ना कहीं चेतना जगी है, तो आपको लगता है कि ये चीजें, चेतना जो जग रही है, इससे धीरे धीरे एक फाइट बैक की जो स्थिति आ रही है उससे चीजें बदलेंगी, या हमें अपना एफर्ट जो है, क्योंकि हमने पहले उठाया कि इनसे आजादी कैसे मिलेगी, एफर्ट को दोगुना तिगुना करने की जरूरत है, और सोच जो बदलने की हम बात कर रहे हैं उसकी शुरुआत कैसे करेंगे? देखिए, किसी भी देश में वहां का बौद्धिक तबका, जो इंटेलेक्चुअल होते हैं, उनको उस समाज का सबसे प्रगतिशील तबका माना जाता है। बिल्कुल, मैंने अपने लाइफ का आधा जीवन दिल्ली में बिताया है, देश दुनिया में घूमने में बिताया है, और इंटेलेक्चुअल्स, जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, जब वहां पर जाति की बात आ जाती है, दलित पर बहस की बात आ जाती है, तो कोई महिला के बारे में बात करने लगता है, कोई जो है बोलता है गौरैया खत्म हो रही है, प्रसाद जी इस पर भी आपको सोचना चाहिए, कोई बोलता है जगह जगह गंदगी है इस पर सोचना चाहिए, और जाति का विषय तो छूट ही जाता है। जाति इतनी ताकतवर है कि बड़े से बड़े महापुरुष पिछले 500 साल में देख लीजिए, सभी बुराइयों से टकराने की कोशिश किए जाति को छोड़कर। ना अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर हैं, वो तो जाति से लड़ना, उसको समाप्त करना उनके जीवन का ध्येय था। लेकिन बड़े बड़े नेताओं को देख लीजिए, कुछ जो सामाजिक, जो क्रांतिकारी हैं, जो अंग्रेजों को भगाना चाहते थे, आप उनके शरीर पर देखिए जनेऊ हुआ करते थे, फोटो हैं। तो जाति से मुक्ति का सवाल और अंग्रेजों से मुक्ति के सवाल के बीच में जो इस समाज के तथाकथित श्रेष्ठ लोग हैं, प्योर हैं, उन्हें कभी नहीं लगा कि जाति एक बड़ी समस्या है। चलिए, आपने ये बात की, मैं इस पर फिरोज, हमें आप श्वेता कुछ कहना चाहती है, लेकिन मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन यहां पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के बाद इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं। पंजाब नेशनल बैंक की ओर से आप सभी को भारत के 70वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। मिठाई से आप दूर रहते हैं, शुगर का डर जो है, सॉफ्ट ड्रिंक आप पीते नहीं, इसमें कैलोरीज ज्यादा, जो पराठे आप खाते नहीं, कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ जाएगा, लेकिन इस मामले में एकदम फिट, आपका जवाब नहीं साहब। काले धन को भी ना कहें, अपनी सही आय घोषित करें इनकम डिक्लेरेशंस की
अघोषित आय आज ही डिक्लेयर करें। योजना 30 सितंबर 2016 तक लागू। डिक्लेयर की गई अघोषित आय का कुल 45% टैक्स भरें और विभिन्न बचावों का लाभ उठाएं। आप करें योगदान, बढ़ाएं अपना सम्मान। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर वन भरोसेमंद फाइनेंस डाइवर्सिफाइड ब्रांड जो आपको देता है भारत का सबसे बढ़िया गोल्ड लोन यानी सबसे बढ़िया ब्याज दर सबसे अधिक लोन राशि घर बैठे ऑनलाइन गोल्ड लोन की सुविधा ऑनलाइन इंटरेस्ट का भुगतान करें कॉल करें 1-800-120-2838। मिठाई से आप दूर रहते हैं, शुगर का डर जो है, सॉफ्ट ड्रिंक आप पीते नहीं, इसमें कैलोरीज ज्यादा जो, पराठे आप खाते नहीं, कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ जाएगा, लेकिन इस मामले में एकदम फिट, आपका जवाब नहीं साहब। काली धन को भी ना कहे, अपनी सही आय घोषित करें, इनकम डिक्लेरेशन स्कीम। अघोषित आय आज ही डिक्लेयर करें। योजना 30 सितंबर 2016 तक लागू। डिक्लेयर की गई अघोषित आय का कुल 45% टैक्स भरें और विभिन्न बचावों का लाभ उठाएं। आप करें योगदान, बढ़ाएं अपना सम्मान। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर वन भरोसेमंद फाइनेंस डाइवर्सिफाइड ब्रांड जो आपको देता है भारत का सबसे बढ़िया गोल्ड लोन यानी सबसे बढ़िया ब्याज दर सबसे अधिक लोन राशि घर बैठे ऑनलाइन गोल्ड लोन की सुविधा ऑनलाइन इंटरेस्ट का भुगतान करें कॉल करें 1-800-120-2838। राजनीतिक स्वाधीनता या आजादी तो हमने 70 साल पहले प्राप्त कर ली थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह आज भी हजारों विदेशी कंपनियां साबुन, शैंपू, क्रीम, टूथपेस्ट व कोल्ड ड्रिंक्स आदि बेचकर देश की आर्थिक लूट कर रही है। आइए हम सब देशभक्त भारतीय इस स्वाधीनता दिवस पर पतंजलि के स्वदेशी अभियान से जुड़कर देश को आर्थिक लूट व गुलामी से मुक्ति दिलाने का संकल्प लें। वंदे मातरम। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर वन भरोसेमंद फाइनेंस डाइवर्सिफाइड ब्रांड जो आपको देता है भारत का सबसे बढ़िया गोल्ड लोन यानी सबसे बढ़िया ब्याज दर सबसे अधिक लोन राशि घर बैठे ऑनलाइन गोल्ड लोन की सुविधा ऑनलाइन इंटरेस्ट का भुगतान करें कॉल करें 1-800-120-2838। आने वाली पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं स्वतंत्रता के मूल्यों का पोषण। LIC की ओर से हर भारतीय को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। तो टुक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सामाजिक बुराइयों से कैसे मिलेगी आजादी। आज जश्न आजादी का दिन है, 70 साल हो गए आजादी को, लेकिन आज एक बड़ी बात यह है कि जो सामाजिक बुराइयां हमारे आसपास फैली हुई, आखिर उनको कैसे हम जड़ से मिटा दें, उनसे कैसे आजादी मिले, इसी पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ चंद्रमान प्रसाद जी हैं जो कि दलित चिंतक हैं, श्वेता रश्मि है पत्रकार, और साथ साथ हमारे साथ फिरोज बख्त अहमद साहब हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है। ब्रेक पे जाने से पहले चंद्रमान प्रसाद जी ने कहा कि उन्होंने कहा कि जाति सबसे बड़ी बात है और जातिगत जो व्यवस्था है वो कह रहे हैं सबसे बड़ी सामाजिक बुराई यही है और इसी पर चोट करने जरूर। आप इसमें कुछ जी, मैं इस पे इन्होंने प्रसाद जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि बाबा साहब अम्बेडकर जाति जैसी जो बुराई थी उसको खत्म करना चाहते थे, लेकिन आज की विडंबना यह है कि बाबा साहब को मानने वाले लोग ही दलित का झंडा बड़ी मजबूती से उठा के घूम रहे हैं। वो नहीं चाहते कि वो मिलके जो एक दलित के नाम पे भेदभाव होता है, जो एक समाज से उनको वंचित रखा जाता है, उसको खत्म करके एक हिंदुस्तान के तौर पे, एक हिंदुस्तानी के तौर पे वो उभरे। क्योंकि आप देख लीजिए, रिसेंट आज की घटना है, गुजरात से आ रही है खबर, दलितों ने 5-5 एकड़ जमीन की मांग की है। ये कहीं से भी फिजिबल लगता है आपको? एक आप गुजरात के दलितों को 5 एकड़ जमीन दे देंगे, फिर बिहार वाले क्या करेंगे, बंगाल के लोग क्या करेंगे? मैं ये नहीं कहता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, जमीन बहुत से विचारक ये मानते हैं कि अगर जमीन मिलनी चाहिए, लेकिन वंचित तबके को, लेकिन वंचित तबका कभी आगे अपने लिए अधिकार मांगने नहीं आ पाता, क्योंकि आज भी उनके बीच में शिक्षा की कमी है, शिक्षा उनको नहीं मिल पाती। जी जी, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा, देखिए ये इस तरह की जो मांगे हैं, जैसे जाट भाइयों ने मांग की कि हमें 5% रिजर्वेशन दो, हम मुस्लिम भाई भी मांग कर, हमारे मुस्लिम भाई भी मांग करते हैं कि 5 या 10 या 9% हमें रिजर्वेशन देनी चाहिए या 5 एकड़ जमीन। मेरे ख्याल से ये जो चीजें हैं ये हिंदुस्तान को बांटने वाली चीजें हैं, साथ लेकर चलने वाली चीजें नहीं है। अगर आप किसी की मैं वही बात उसी पे आ रहा हूँ, मैं आपकी बात को बढ़ा रहा हूँ आगे। देखिए, अगर किसी की मदद करनी है तो आप जात देकर धर्म देकर ना कीजिए। हाँ, देखिए दो हिस्सों में हिंदुस्तान बटा है, मेरे हिसाब से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं है, गरीबों में और अमीरों में। इसको मैं दलितों में और ब्राह्मणों में भी नहीं बांटूंगा,
गरीब चाहे वो हिंदू हो, ब्राह्मण भी गरीब हो सकता है, मुसलमान भी गरीब हो सकता है, दलित भी गरीब हो सकता है। तो अगर हमें प्रोग्रेस करनी है, हमें किसी की मदद करनी है, आगे बढ़ाना है, तो ये गरीब और अमीर की लड़ाई है। ये आप चाहे उनको अमीरों को आप 20% माने या 10-15% माने, तो हमें लेकिन, जो लेकिन लेकिन जाति के आधार पर लोगों से भेदभाव तो होता ही ना, हमें स्वीकार तो करना होता पड़ेगा है, लेकिन गलत आप, है वो। आप अगर आज भी एक एक, एक दलित चाहे उसने पैसा कमा लिया हो और गांव में अगर उसकी स्थिति सही भी हो, लेकिन अगर उसको गांव में घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा, तो लगता है कि शायद सिर्फ दलित और अमीर की नहीं बल्कि सोच की भी बदलने की जरूरत है। हाँ, ये माइंड सेट बदलना, ये माइंड सेट जो है ये शायद बहुत गंदगी भर गई है। ये माइंड सेट बड़ा खतरनाक है। और मैं अभी दोबारा अपनी बात को रिट्रेट करूंगा कि आतंकवाद से ज्यादा खतरनाक ये माइंड सेट है जो सामने वाले को दलित, हिंदू या मुस्लिम की निगाह से देखता है। इसको हमें हर हालत में खत्म करना होगा। अगर इस चीज को हम पहले चेक कर चुके होते 40 साल पहले, 50 साल पहले, तो आज अग्रणी देश होता अमेरिका, चाइना और ब्रिटेन से हिंदुस्तान आगे होता। लेकिन कोई बात नहीं, अब इसकी शुरुआत हम अब कर सकते हैं। मोदी जी का जो भाषण है उसमें उन्होंने बात की है कि वेद से विवेकानंद और उपनिषद से उपग्रह तक हम जाना चाहते हैं, गति से प्रगति तक जाना चाहते हैं, तो हम अब क्यों नहीं कर सकते? लिहाजा वक्त की जरूरत यह है कि हम सब इस बात को सोचें, हम सब बराबर हैं, हम सब आपस में भाई हैं, हिंदू में, मुस्लिम में, ब्राह्मण में और दलित में, औरत में, मर्द में, कहीं कोई भेदभाव नहीं। बराबरी का एक सिस्टम जो है, एक व्यवस्था बराबरी की बनानी पड़ेगी, उस वो बहुत सबसे बड़ी जरूरत है। और वो बराबरी की बात जो है, वो बराबरी की सोच जो है, वो कैसे आएगी? क्योंकि सिर्फ बात अमीर गरीब की नहीं बल्कि शायद सोच बदलने की जो है, वो सोच कैसे बदलेगी, इस पर मैं फाइनल कमेंट लूंगा अपने तमाम मेहमानों के छोटे से ब्रेक के बाद। उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है, वो कंधे हैं अखिलेश जी के, जिनके प्रयास से सबको साथ लेकर हर समाज, हर वर्ग, हर तबके के लिए योजनाओं की शुरुआत हुई है। उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति खुद को सामाजिक और आर्थिक तौर पर सुरक्षित महसूस करे, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आज किसी भी आपात स्थिति में 100 नंबर डायल करने पर 20 मिनट में पुलिस आप तक पहुंच जाएगी। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर वन भरोसेमंद फाइनेंस डाइवर्सिफाइड ब्रांड, जो आपको देता है भारत का सबसे बढ़िया गोल्ड लोन, यानी सबसे बढ़िया ब्याज दर, सबसे अधिक लोन राशि, घर बैठे ऑनलाइन गोल्ड लोन की सुविधा, ऑनलाइन इंटरेस्ट का भुगतान करें, कॉल करें 1-800-120-2838। ये कल कल बहता पानी देख रहे हैं जो मेरे खेतों में जा रहा है, ये किसी नहर, किसी डीजल या पेट्रोल वाले पंप से नहीं आ रहा, ये आ रहा है सोलर पंप सेट के कारण। सौर ऊर्जा के इस्तेमाल का शानदार स्वरूप सोलर पंप सेट, न बिजली की जरूरत, न पानी की किल्लत। इसे लगवाने के लिए भारत सरकार अनुदान भी देती है। पर्यावरण का दोस्त, किसानों का हमदर्द, सोलर पंप सेट। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की आर्थिक सहायता का लाभ उठाएं। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर वन भरोसेमंद फाइनेंस डाइवर्सिफाइड ब्रांड, जो आपको देता है भारत का सबसे बढ़िया गोल्ड लोन, यानी सबसे बढ़िया ब्याज दर, सबसे अधिक लोन राशि, घर बैठे ऑनलाइन गोल्ड लोन की सुविधा, ऑनलाइन इंटरेस्ट का भुगतान करें, कॉल करें 1-800-120-2838। एक बढ़िया सा CFL लैंप देना। ये लीजिए। ये बढ़िया है, इसकी क्या गारंटी है? ये देखिए, इस पर ISI का निशान है, जो किसी भी प्रोडक्ट को कड़े परीक्षण से गुजरने के बाद ही दिया जाता है। हर CFL लैंप पर ISI का निशान अनिवार्य है। पर कैसे पता चलेगा कि ये ISI मार्क असली है? असली ISI मार्क के साथ मानक का नंबर और उत्पादक का 7 अंकों का लाइसेंस नंबर भी होता है, समझी? ISI का निशान, क्वालिटी गारंटीड। जागो ग्राहक जागो। आने वाली पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं स्वतंत्रता के मूल्यों का पोषण। LIC की ओर से हर भारतीय को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर वन भरोसेमंद फाइनेंस डाइवर्सिफाइड ब्रांड, जो आपको देता है भारत का सबसे बढ़िया गोल्ड लोन, यानी सबसे बढ़िया ब्याज दर, सबसे अधिक लोन राशि, घर बैठे ऑनलाइन गोल्ड लोन की सुविधा, ऑनलाइन इंटरेस्ट का भुगतान करें, कॉल करें 1-800-120-2838।
टोटुक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आजादी, जश्न आजादी के दिन बात कर रहे हैं सामाजिक बुराइयों से आजादी आखिर कैसे मिले। तीन मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। चंद्रमोहन प्रसाद जी, हम लोग खानों में बटे हुए हैं, ठीक है। आप जो बराबरी की बात कर रहे हैं, दलितों के साथ नाइंसाफी बिल्कुल हुई है, आज भी हो रही है, वो बदलने की जरूरत है। लेकिन ये जो हिस्सों में बटा हुआ हिंदुस्तान है, वो एक कैसे हो सकता है? उसके लिए क्या एक सोच हो सकती है? कैसे? देखिए, हम तो यही कह रहे हैं कि दलित उन सारे कामों को करना बंद करें जिसके वजह से या जो समाज में निंदनीय और गंदे समझे जाते हैं। दलित मुक्ति उस दिन शुरू होगी जिस दिन गाय और बैल और जानवरों से प्यार करने वाले लोग उनके जानवरों के मृत्यु हो जाने के बाद अपने कंधों पर लेकर जाते दिखेंगे और खुद सपरिवार बैठ करके अपने जानवरों का स्किन छीलेगा, उसी दिन भारत जो है एक नई दिशा की ओर जाएगा, गति से प्रगति की ओर। पर मैंने कहा वो ठीक है, आप जो बात कर रहे हैं वो बराबरी की, एक बार फिर आपने जो बात उठाई उसमें बराबरी की बात हो रही है कि सिर्फ हम काम को भी क्यों बांटेगी, ये काम दलित करेगा, ये काम ब्राह्मण करेगा, बदलना चाहिए। आप जो कह रहे हैं वो मैं कह रहा हूं उससे आगे जाके कहता हूं, क्यों नहीं इस देश में दलित जो है वो किसी मंदिर का पुजारी हो सकता, क्यों नहीं दलित महिलाएं किसी मंदिर की पुजारी हो सकती, क्यों नहीं दलित महिलाएं जो है देश की बड़ी लॉयर हो सकती है, क्यों नहीं, ये सारी चीजें। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, थोड़ा सा मेरी विनम्र असहमति है। बिल्कुल आप असहमत। अरे जिस मंदिर का भगवान ही जातिवादी है उसमें पुजारी होने की क्या जरूरत है? ठीक है, वो आपका अपना वो मतलब, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, मैं सबको बराबरी की बात करता हूं। मैं कहता हूं कि जो काम हम है, जो हमारा देश है, उसमें क्यों नहीं हर काम में हर व्यक्ति की हिस्सेदारी क्यों नहीं हो, क्यों हम उस पर बांटे। श्वेता, आखिरी कमेंट आपका लेना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि कैसे अब 70 साल बाद हम आप कोई रोड मैप बना सकते हैं कि भाई हमें इन चीजों से आजादी चाहिए, कैसे चाहिए? अशोक जी, सबसे पहले हमने यहाँ अमेरिका, चाइना सबकी बात कर ली। उन देशों में बड़ा अच्छा सिस्टम है, आप चाहे जितने बड़े भी सेलिब्रिटी हो जाएं, आपको सारा काम खुद ही करना है, आपको कोई सहायक या इस तरीके के लोग वहाँ नहीं मिलेंगे। हमें ये शुरुआत क्यों ना हिंदुस्तान से करनी चाहिए। पहले तो मैंने कहा कि घरों को आप चुनिए, घरों से ये शुरुआत करिए ना। आपके घर जो मेड आती है काम करने, अगर आप उसके साथ भी एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, एक तो आपके घर का माहौल अच्छा हो जाएगा। बच्चा जिस माहौल में बड़ा हो रहा है उसको ये समझ आएगा कि नहीं, मेरे पेरेंट्स जो है वो भेदभाव नहीं करते, हम सब बराबर हैं, मुझे भी ये काम करना पड़ सकता है जो ये कांताबाई का बच्चा कर रहा है। वो भी उस परिवेश को अडॉप्ट करते हुए बड़ा होगा तो आप आने वाले फ्यूचर में एक अच्छी मानसिकता के व्यक्ति का विकास तो देख ही सकते हैं। दूसरी बात, जाति पाति के नाम पे जो भेदभाव होते हैं, पहली और जो सबसे बड़ी इसमें बात है, जिन राजनेता इसको पूरी तरीके से हवा देते हैं, चुनाव के टाइम पे उनका वोट बैंक सारा जातियों के ऊपर सिमट जाता है, जो एक बहुत बड़ी बुराई है। लेकिन सिर्फ राजनेताओं की इसमें बुराई नहीं है, दलित समाज से भी, ये प्रसाद जी दलित समाज की बात कर रहे हैं, वहां से भी बड़े सारे मुख्यमंत्री निकल के आए हैं, लेकिन आने के बाद उन्होंने अपने समाज के लिए क्या किया, क्या उन्होंने बेहतरी के लिए क्या चीज मेरा सिर्फ ये कहना है कि महिलाओं को उस जो हम एक होने की बात कर रहे हैं उस भागीदारी की मुख्य धारा में जोड़ा जाए, उनको सक्षम किया जाए, शिक्षा उनको पूरी देनी चाहिए। जब आपके घर का बैलेंस बराबर होगा तो जाहिर सी बात है आपके देश का भी बैलेंस बराबर। बैलेंस घर का बराबर हो, समाज का बराबर हो, देश का बराबर हो, क्या रोड मैप फिरोज साहब? नहीं, उसी रोड मैप को हम आगे लेके चलेंगे। देखिए क्या है कि मैंने अपनी बहन की भी बात सुनी, श्वेता जी की, चंद भान की भी बात सुनी, इसमें बहुत जरूरी चीज यह है कि डिग्निटी ऑफ लेबर आनी चाहिए। कोई भी काम जो भी करे बराबरी से उसको देखना चाहिए, आंकना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि सुबह बड़ा अच्छा एक बात कही प्रधानमंत्री ने, और वो था रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। तो ये जो है, ये अब मैं चाहता हूं, एक आइडिया हमें दे दिया, बहुत अच्छा आइडिया दे दिया प्रधानमंत्री ने। जो प्रधानमंत्री हैं, बड़े लोग हैं, उनका काम है आइडिया देना, उसको जमीन के ऊपर ग्रास रूट लेवल से अटैच करके ये हम सब लोगों को लेकर आगे चलना है। बिल्कुल सबका काम है, देश की जो हम सवा करोड़ आबादी की, इसके कि हम उम्मीद करें सिर्फ पॉलिटिशियन से, सिस्टम से, हमारी भी तो जिम्मेदारी है। सर हमारे ही बनाए हुए बात फिर मोदी जी ने कही थी कि मतलब हम किसी नेता को कोसे इससे पहले
अपने अंदर भी झांकना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, नेता वो है जिनको जिनको हम बनाते हैं, इसलिए सिर्फ नेताओं को दोष देने से नहीं होगा। और नेताओं ने हमें कुछ नेता ऐसे भी जिन्होंने हमें आजादी भी दिलाई, कुछ नेता ऐसे भी हैं जिन्होंने आजादी के बाद देश को जो है तमाम बुरी तरह की चीजें दी, हमें कई चीजों में जकड़ के रखा। तो सिर्फ नेता नहीं बल्कि हमको बदलना पड़ेगा। क्या भारत में लोग अनुशासित हैं? क्या भारत के लोगों के दिमाग में भेदभाव रहित बात आती है? क्या भारत के लोग जातिगत जो सोच है उससे ऊपर उठे? क्या हम भ्रष्टाचार से आजादी के बारे में सोचते हैं? तमाम मुद्दे हैं जिस पर हमें सोचना पड़ेगा। पर बड़ी बात यह है कि 70 साल हुए हैं सामाजिक कुरीतियों से आजादी अब हमें चाहिए। चेतना आ रही है, चाहे महिलाओं हों चाहे दलितों, सब में चेतना आ रही है। इसको थोड़ा सा और ताकत देने की जरूरत है। आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हम यही उम्मीद करेंगे ये ताकत और बढ़े और इनको ताकत मिले और इसी तरह से हम इन सामाजिक बुराइयों से हम इनसे आजादी पाएंगे। शुक्रिया आप तीनों का इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। तो टुक में आज बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।